हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिक्स सब्जी बनाने जा रहे हैं। आलू, गोभी, मटर, गाजर, शिमला मिर्च और ये मेथी का पत्ता है। इसके लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तेल गर्म हो रहा है। इसमें हम एक तेजपत्ता, एक मिर्चा और पचफोरन डाल देते हैं। ये मेरा चटक गया है। अब इसमें हम गोभी डालते हैं। जो भी मेरा भून गया है उसको हम निकाल लेते हैं। इसमें हम आलू फ्राई करने के लिए आलू को डाल देते हैं। आलू भी भून गया है, इसको भी हम अच्छी तरह से सावधानी से निकाल लेते हैं। आलू गोभी मेरा भून गया है। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज मेरा भून गया है। अब इसमें हम मटर को डाल देते हैं। ये मेरा प्याज और मटर भून गया है। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। गाजर और शिमला मिर्च को ज्यादा नहीं भूनना है। और ये मेरा मेथी का पत्ता है, इसको भी डाल देंगे। ये सभी चीज को हल्का सौते करना है। आपको स्लो कर देते हैं। इसको ज्यादा नहीं भूनना है। शिमला मिर्च गाजर है, इसको ज्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम एक बड़ा टमाटर डाल देते हैं। और इसी के अनुसार हम नमक डालते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। और ये सब मसाला है, लहसुन अदरक है, गोलमिर्च है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है। इस सभी को हम और इसमें थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, ये पचने में मदद करता है। सभी चीज को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। दो मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं। ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं।
मेरा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम गोभी और आलू जो फ्राई करके हम रखे थे इसको डाल देते हैं। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मसाला मेरा अच्छी तरह से भून गया है। आलू गोभी को हम अच्छी तरह से मसाला में मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है। 2 मिनट इसको हम भून के फिर इसमें हम अपने अनुसार पानी डालेंगे। इसको हम ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। ये मेरा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब ये पकने में 6-7 मिनट लगेगा, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब करीब हमारा सब्जी तैयार हो गया होगा। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। सिंपली मेरा सब्जी तैयार हो गया है। कितना यम्मी लग रहा है। अब इसमें हम धनिया का पत्ती ऊपर से डाल देते हैं। ये स्वाद को और चारगुना बढ़ा देता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। पूरे ग्रेवी में इसका टेस्ट आ जाएगा। आप ग्रेवी अपने पसंद के अनुसार ज़्यादा या कम रख सकते हैं। जितना मोटा पतला आप खाना चाहते हैं। हम लोग इसी तरह खाते हैं। मेरा तैयार हो गया है। अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। ये मेरा सब्जी बनके तैयार हो गया है। आप लोग भी खाइए और इंजॉय कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू।